everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I'm here with a very interesting and important topic, that is the trial case or the trial set. As we all know, being an optometry professional, it's very necessary to have knowledge about the various accessories present in the trial box. So here is my video to help you understand the details of the trial box set. So chaliye video start karte hain. Trial box is a box containing lenses arranged in pairs, a trial spectacle frame and other devices used in testing vision. तो जैसा कि हमें पता है कि ट्रायल बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर होते हैं ट्रायल लेंसेस, एक ट्रायल स्पेक्टिकल फ्रेम और कुछ एक्सेसरीज जो हम विजन टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ट्रायल बॉक्स को ट्रायल केस भी बोलते हैं। सो दिस इज़ हाउ अ ट्रायल बॉक्स लुक्स लाइक। तो ट्रायल बॉक्स का यूज़ हम करते हैं ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के लिए, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के लिए, डिप्लोपिया चार्टिंग में, स्क्विन डायग्नोस करने के लिए एंड टू एक्सेस बायनोक्युलर विजन। ट्रायल बॉक्स के अंदर एक ट्रायल फ्रेम होता है, कुछ ट्रायल लेंसेज होते हैं, प्रिजम्स और कुछ एक्सेसरीज। अब इसको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है ट्रायल फ्रेम। सो ट्रायल फ्रेम इज़ एन आई ग्लास फ्रेम डिजाइन टू परमिट इंसर्शन ऑफ डिफरेंट लेंसेज यूज्ड इन करेक्टिंग रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ विजन। जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं, ऐसा दिखता है ट्रायल फ्रेम। और ट्रायल फ्रेम का यूज़ रिफ्रैक्शन करते टाइम हम अलग अलग लेंसेज ट्राई करने के लिए करते हैं। फीचर्स, अ ट्रायल फ्रेम मस्ट बी लाइट वेट, एडजस्टेबल एंड शुड हैव अ कम्फर्टेबल नोज ब्रिज। ट्रायल फ्रेम को लाइट वेट होना चाहिए जिससे कि पेशेंट को कम्फर्टेबल हो, एडजस्टेबल होना चाहिए जिससे कि हम पेशेंट के IPD के अकॉर्डिंग ट्रायल फ्रेम को सेट कर सकें, कम्फर्टेबल नोज ब्रिज होनी चाहिए जिससे रिफ्रैक्शन करते टाइम पेशेंट को दिक्कत महसूस ना हो। नेक्स्ट, कंपार्टमेंट ऑफ ट्रायल फ्रेम। ट्रायल फ्रेम में 4 कंपार्टमेंट होते हैं जिसमें हम ट्रायल लेंसेज और एक्सेसरीज को प्लेस करते हैं। पहले कंपार्टमेंट में हाई पावर्ड लेंस लगाते हैं। सेकेंड कंपार्टमेंट होता है स्फेरिकल लेंसेज लगाने के लिए। थर्ड कंपार्टमेंट में हम सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं, क्योंकि इस कंपार्टमेंट में हमें एक्सेस मार्किंग भी मिल जाती है, तो हम सिलेंड्रिकल लेंस को ईजिली उसके रिक्वायर्ड एक्सेस के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। फोर्थ कंपार्टमेंट में एक्सेसरी लेंस और प्रिज्म प्लेस करते हैं। एक्सेसरी लेंस और प्रिज्म के बारे में हम डिटेल में अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रायल फ्रेम। ट्रायल फ्रेम कम्स इन 3 डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट इज़ फुल अपर्चर फ्रेम, सेकेंड इज़ रिड्यूस्ड अपर्चर फ्रेम एंड द थर्ड वन इज़ हाफ आई ट्रायल फ्रेम। इमेज में देखिए, आपको तीनों टाइप्स में डिफरेंस पता चल जाएगा और इन ट्रायल फ्रेम्स के अपीयरेंस के बेसिस पर ही इनका नाम भी रखा गया है। ट्रायल लेंस, रिफ्रैक्शन करते टाइम हम ट्रायल लेंसेज का यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर करेक्ट करने के लिए। ट्रायल लेंसेज 2 फॉर्म में आते हैं, पहला है फुल अपर्चर लेंसेज और दूसरा है रिड्यूस्ड अपर्चर लेंसेज। फुल अपर्चर लेंसेज, दीज लेंसेज हैव अ डायमीटर ऑफ 38 mm। बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉनकेव दोनों तरह के लेंसेज होते हैं, लेकिन इनका मेन डिसएडवांटेज ये है कि इनका लेंस का पोर्शन ज़्यादा होने की वजह से ये थोड़े हैवियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिड्यूस्ड अपर्चर लेंसेज। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड अपर्चर लेंसेज। इन लेंसेज में एक मेटल की रिम लगी होती है किनारों पर और जो लेंस का पोर्शन होता है इनका वो होता है 20 mm डायमीटर का। प्लेनो कॉनकेव और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज दोनों अवेलेबल होते हैं इसमें। स्फेरिकल लेंसेज, जैसा कि हम जानते हैं ट्रायल बॉक्स में 2 तरह के लेंसेज होते हैं, एक तो स्फेरिकल लेंस और दूसरा होता है सिलेंड्रिकल लेंस। जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं उनकी हर मेरिडियन पर सेम पावर होती है, चाहे आप जिस भी एक्सेस पर उन्हें रख दो पावर सेम ही रहेगी। 32 पेयर स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, 32 पेयर्स प्लस के और 32 पेयर्स माइनस के, मतलब कि 64 प्लस के स्फेरिकल लेंस और 64 माइनस के स्फेरिकल लेंस। हर लेंस के ऊपर उसकी पावर लिखी होती है। ये स्फेरिकल लेंसेज रिड्यूस्ड अपर्चर भी हो सकते हैं और फुल अपर्चर लेंस भी हो सकते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा था। 32 पेयर स्फेरिकल लेंसेज होते हैं प्लस के और 32 पेयर माइनस के स्फेरिकल लेंसेज होते हैं। दोनों प्लस और माइनस लेंसेज की सीरीज़ का अरेंजमेंट सेम ही होता है। जो पॉजिटिव लेंसेज हैं वो प्लस 0.12 डायप्टर से शुरू होते हैं और आखिरी लेंस होता है 20 डायप्टर का।
इन द सेम मैनर नेगेटिव लेंसेज भी -0.12 डायप्टर से लेकर -20 डायप्टर तक के होते हैं। पहला लेंस तो हो गया 0.12 डायप्टर का, फिर 0.25 डायप्टर से लेकर 4 डायप्टर तक के 0.25 के डिफरेंस पर लेंसेज होते हैं। जैसे कि 0.25 डायप्टर के बाद 0.50 आता है, फिर 0.75, फिर 1 डायप्टर एंड सो ऑन। मतलब कि 0.25 से लेकर 4 तक में 0.25 के डिफरेंस पे होते हैं ये लेंसेज। उसके बाद 4 डायप्टर से लेकर 6 डायप्टर तक 0.50 के डिफरेंस पर होते हैं। जैसे कि 4 डायप्टर के बाद 4.50, फिर 5 डायप्टर और उसके बाद 5.50 एंड देन 6 डायप्टर। फिर 6 टू 14 डायप्टर लेंस में डिफरेंस होता है 1 डायप्टर का। जैसे कि 6 के बाद 7 डायप्टर, फिर 8 डायप्टर, ऐसे 14 डायप्टर तक। फिर 14 टू 20 डायप्टर में 2 डायप्टर का डिफरेंस होता है, लाइक 14 डायप्टर के बाद 16 डायप्टर एंड देन 18 डायप्टर और लास्ट लेंस होता है 20 डायप्टर का। 32 पेयर्स ऑफ पॉजिटिव या 32 पेयर्स ऑफ नेगेटिव लेंस में दोनों में यही सेम सीरीज रहेगी, 0.12 डायप्टर से लेकर 20 डायप्टर तक। स्फेरिकल लेंसेज यूजुअली मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इनके करेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सिलेंड्रिकल लेंसेज। सिलेंड्रिकल लेंस में एक ही मेरिडियन पर पावर होती है। स्फेरिकल लेंसेज की तरह इसमें हर मेरिडियन पर सेम पावर नहीं होती। हर सिलेंड्रिकल लेंस में आप देखेंगे एक्सेस मार्क्ड होती है और टोटल 20 पेयर पॉजिटिव के और 20 पेयर नेगेटिव के सिलेंड्रिकल लेंसेज होते हैं ट्रायल बॉक्स में। पावर रेंज इन सिलेंड्रिकल लेंसेज, 0.12 डायप्टर से 6 डायप्टर तक के सिलेंड्रिकल लेंस होते हैं ट्रायल बॉक्स में। इसमें भी पॉजिटिव सिलेंड्रिकल लेंस और नेगेटिव सिलेंड्रिकल लेंस में सीरीज सेम ही होगी। 0.12 डायप्टर से 6 डायप्टर तक के सिलेंड्रिकल लेंस होते हैं ट्रायल बॉक्स में। 0.25 से 4 डायप्टर में डिफरेंस होता है 0.25 डायप्टर का, और 4 डायप्टर से लेकर 6 डायप्टर में डिफरेंस होता है 0.50 डायप्टर का। सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ हम एस्टिगमैटिक करेक्शन के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिज्म्स। ट्रायल बॉक्स में 10 प्रिज्म्स होते हैं। पहला 0.5 प्रिज्म डायप्टर, देन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 प्रिज्म डायप्टर, और फिर 8, 10 एंड 12 डायप्टर। टोटल 10 प्रिज्म्स होते हैं ट्रायल बॉक्स में। प्रिज्म्स का यूज़ हम स्क्विंट करेक्शन और मेजरमेंट के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेसरीज। सो ट्रायल बॉक्स में स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल लेंस और प्रिज्म्स के साथ ही साथ कुछ एक्सेसरीज भी होती हैं, जैसे प्लेनो लेंस, रेड एंड ग्रीन फिल्टर, मेडॉक्स रॉड, स्टेनोपेक स्लिट, ऑक्लूडर, पिन होल, जैक्सन क्रॉस सिलेंडर एंड नियर विजन चार्ट। अब एक एक करके इन एक्सेसरीज को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज प्लेनो लेंस। ये होते हैं जीरो पावर के लेंसेज जो यूज़ किए जाते हैं मेलिंगरिंग पेशेंट्स के लिए। ओपीडी में कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिन्हें चश्मा लगाने का बहुत शौक होता है। हालांकि उनका विजन 6x6 होता है, रिफ्रैक्टिव एरर भी नहीं होता, बट जब उन्हें विदाउट लेंस रीड करने को बोलो तो वो नाटक करते हैं कि उन्हें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे केस में हम प्लेनो लेंस उन्हें देते हैं, और जब ऐसे पेशेंट्स में जीरो पावर लेंस हम लगाते हैं तो उन्हें सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। सो प्लेनो लेंस हम यूज़ करेंगे ऐसे मेलिंगरिंग पेशेंट के केस में। रेड एंड ग्रीन फिल्टर। रेड ग्रीन फिल्टर का यूज़ हम सप्रेशन एंड डिप्लोपिया के केस में करते हैं। रेड ग्रीन फिल्टर इज़ ऑल्सो यूज इन वर्थ 4-डॉट टेस्ट एंड फ्रेंड टेस्ट। तो ऐसे दिखते हैं ये रेड ग्रीन फिल्टर। टेस्ट करते टाइम रेड फिल्टर राइट आई में लगाते हैं और ग्रीन फिल्टर लेफ्ट आई में। मेडॉक्स रॉड। मेडॉक्स रॉड में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस सीरीज में अरेंज होते हैं। मेडॉक्स रॉड से देखने पर स्पॉट लाइट हमें स्ट्रीक ऑफ लाइट की तरह दिखती है। मेडॉक्स रॉड को डिटेल में मैंने एक वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको समझने के लिए उस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। मेडॉक्स रॉड का यूज़ हम हेट्रोफोरिया का पता लगाने के लिए करते हैं, एज वेल एज फॉर मेजरिंग स्क्विंट डेविएशन। स्टेनोपेक स्लिट। जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, ऐसी होती है स्टेनोपेक स्लिट। ब्लैक ओपेक डिस्क पर एक स्लिट बनी होती है, 25 मिलीमीटर लंबी और 1 मिलीमीटर चौड़ी। स्टेनोपेक स्लिट का यूज़ हम एस्टिगमैटिक आई की एक्सीज फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, तो एस्टिगमैटिक पेशेंट में भी स्टेनोपेक स्लिट का यूज़ होता है। नेक्स्ट एम्सलिफ एंजाम्स टेस्ट भी हम स्टेनोपेक स्लिट की मदद से करते हैं। एम्सलिफ एंजाम्स टेस्ट में हम देखते हैं कि कलर्ड हेलोस लेंस से ओरिजिनेट हो रहे हैं
कैटरैक्ट की वजह से या फिर कॉर्निया से ओरिजिनेट हो रहे हैं एक्यूट कंजेस्टिव ग्लॉकोमा की वजह से। ऑक्लूडर जैसा कि हम सब जानते हैं प्लास्टिक डिस्क की तरह होता है जिसके आर पार दिखाई नहीं दे सकता। ऑक्लूडर की हेल्प से हम एक आंख को कवर करके फ्यूजन ब्रेक करके दूसरी आई की विजुअल एक्विटी को टेस्ट करते हैं। पिनहोल डिस्क भी ऑक्लूडर जैसा ही दिखता है और मेजर डिफरेंस होता है कि इसके सेंटर में एक होल प्रेजेंट होता है 1 to 2 millimeter डायमीटर का। ट्रायल बॉक्स में जो पिनहोल मिलता है उसके होल का डायमीटर यूजुअली 1 millimeter होता है। पिनहोल की मदद से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि पेशेंट के विजन में मैक्सिमम कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है। हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर आई हैज़ रिफ्रैक्टिव एरर और पैथोलॉजिकल एरर। तो पिनहोल की मदद से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का विजन किसी रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से कम हो रहा है या फिर किसी पैथोलॉजिकल एरर की वजह से। अगर पिनहोल से पेशेंट का विजन इम्प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब है पेशेंट में रिफ्रैक्टिव एरर है जिसकी वजह से उसका विजन कम हुआ है। और अगर पिनहोल से पेशेंट का विजन इम्प्रूव नहीं होता तो इसका मतलब है कि पेशेंट में कोई पैथोलॉजिकल एरर है जिसकी वजह से उसका विजन कम हुआ है। जैक्सन क्रॉस सिलेंडर, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस सिलेंडर एंड माइनस सिलेंडर 90 degree अपार्ट। जैक्सन क्रॉस सिलेंडर में प्लस सिलेंडर लेंस और माइनस सिलेंडर का लेंस का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि ये दोनों लेंसेस 90 degree के एंगल पर होते हैं और JCC का हैंडल इन दोनों एक्सिस से 45 degree के एंगल पर लगा होता है। JCC का यूज़ हम एस्टिगमैटिज्म की पार और एक्सिस का पता लगाने के लिए करते हैं। नियर विजन चार्ट, नियर विजन चार्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई स्नेलिन। नियर विजन चार्ट डिस्टेंस स्नेलिन चार्ट का ही रिड्यूस्ड फॉर्म होता है। नियर विजुअल एक्विटी टेस्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नियर विजन चार्ट का यूज़ हम नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन के मेजरमेंट के लिए भी करते हैं। सो दिस वॉज ऑल दैट यू मस्ट नो अबाउट द ट्रायल बॉक्स सेट। आई विल बी बैक विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। फील फ्री टू शेयर योर डाउट इफ यू हैव रिगार्डिंग दिस टॉपिक इन द कॉमेंट सेक्शन। Please like the video and subscribe to my channel.